कानपुर में दिन पर दिन चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कानपुर पुलिस लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से जुट गई है, जिसमें कानपुर पुलिस को सफलता मिलती नजर भी आ रही है। ताजा मामला कानपुर के हरजिंदर नगर का है, जहां पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की सूचना मीडिया को भी दी है, साथ ही बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से आधा दर्जन मोबाइल, कुछ कैश और तमंचा भी बरामद किया गया है। दिनांक 10/12/2022 को एक हरजिंदर नगर चौराहे के पास एक मोबाइल लूट हो गई थी, जिसके संबंध में आज सुबह चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि वो लुटेरे वहीं आसपास क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर मैं पुलिस बल हमारे चौकी प्रभारी पहुंची और वहीं से दो लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं। और उनके पास जो लूट में ये लोग मोबाइल, ये पल्सर बाइक यूज़ करते थे, वो भी बरामद हुई है, जिसका नंबर UP78FR1401 है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक हैं श्री रंजन कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कैलाश बाबू हैं, प्रवीण कुमार हैं उप निरीक्षक, विनोद कुमार सिंह हैं हेड कांस्टेबल हैं, ठीक, और दो लोग और हैं, गौरव और संजीव कुमार। कितने आरोपी पकड़े गए हैं और इनके सदस्य में इनके गिरोह में और कितने सदस्य हैं? अभी फिलहाल दो लोग पकड़े गए हैं, शेष पूछताछ जारी है, उनके आधार पर जो भी लीड समय मिलते हैं उस पर और लोगों पर की गिरफ्तारी। घटनाओं को अभी तक कबूल किया है? अभी तो फिलहाल इसी घटना को कबूल किया, और जिस हिसाब से सामान बरामद हुए हैं, इनकी संलिप्तता किसी और घटना में होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तीसरा आरोपी कौन था इसमें? तीसरा आरोपी जो है वो उसके पास तमंचा होने की सूचना मिली थी, जिस पर चौकी प्रभारी रामा देवी वहाँ पहुँचे और उसे गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, नजायज और कारतूस बरामद। इसी घटना से जुड़ा हुआ है? नहीं, वो एक अलग साथी है कि अलग? नहीं, वो उस पर जांच जारी है कि इन लोगों की आपस में क्या संबंध है। We'll be right back.